बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पिछले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जी। मैं आपके साथ ये ऐसी वीडियो शेयर करता हूँ, अक्सर भाई मुझे नीचे कमेंट कर देते हैं कि भाई हमने तो कहीं देखी नहीं है, मुझको तो कोई पकड़ नहीं रहा है। वो भाई अल्लाह का शुक्र कर, तेरे को पकड़ नहीं रहा, तुमने जेल की सूरत हाल नहीं देखी है। कसम बिल्लाह मैं आपको यहाँ पर किसी की प्राइवेसी शेयर नहीं करना चाहता। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे मैसेज भी वसूल हुए हैं, कुछ दोस्त जो जानने वाले थे सऊदी अरबिया बनी मालिक वगैरह से, जो जेल के रास्ते पाकिस्तान में पहुंचे, मुझे उन्होंने ऐसे मैसेज भेजे कि आप यकीन करें कि मैं खुद हैरान था कि इतनी ज़्यादा वो बोलते हैं जेल में तंगी काटनी पड़ी और तबीयत कैसे। और ख़ुद से एक दोस्त यहाँ इसी गाँव में जेल के थ्रू पहुँचा, उससे भी बात गपशप होती है और किसी दिन मैं उसको साथ बिठा कर आपको पूरा किस्सा सुनाऊंगा जेल में होता क्या है, तो वो भी क्या क्या भाई किस्से वगैरह सुनाता है। तो शुक्र करें अल्लाह का आपको कोई पकड़ नहीं रहा है। आप कोशिश करें कि लीगल तरीके से पाकिस्तान में आएँ, वही बेस्ट है। सफारा के थ्रू चाहे इकामे एक्सपायर हैं चाहे मकतब अमल के थ्रू, ये बेस्ट है। यहाँ अपने इकामे वगैरह सीधे करके आए, ये बेस्ट है। तो बात सिर्फ शेयर करने का आप सब मकसद ये था कि जो बंदे बोलते हैं ना को हमें तो पकड़ नहीं रहा, हम कुछ देख नहीं रहे हैं, तो आप शुक्र करें अल्लाह का। मजीद आपने कुछ देखना हो ना तो शमेसी जेल का चक्कर लगा लें, वहाँ पर भी नहीं जा सकते तो एक घंटा शाम असर बजे से मगरब टाइम तक, यानी कि एक दो घंटे बनते हैं। आप लाहौर होटल है जो बट फलूदा वगैरह है बनी माल पर, यहाँ पर आपको वीडियो भी चलाकर दिखा रहा हूँ मैं, वहाँ पर जाकर एक 5 रियाल का फलूदे का प्याला लें और बैठकर खाएं आराम से, और असर टू मगरब वेट करें। सामने नीम का दरख्त जो यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाई भी दे रहा है, इसके नीचे आप शुगल देख लें कितनी आवाम इकट्ठी हो रही है और क्या क्या उनको उठाया जा रहा है। मैं तमामतर लाइव वीडियो आपके साथ बनी मत से शेयर कर चुका हूँ, बहुत सी वीडियो ऐसी शेयर नहीं की मैंने, आप यकीन करें, जो कि अलाउड ही नहीं है हमें, और खासकर सऊदी अरब में रहते हुए पकड़ा जाएगा बंदा मरूर वगैरह शूट वगैरह की वीडियो शेयर करते हुए। सख्ती के मामला के मतलब बहुत सी वीडियो मैंने आपके साथ लाइव शेयर की, लेकिन मैंने किसी भी दौर या शूट वगैरह की वीडियो उसमें नहीं बनाई। क्यों? वो भाई ममनू है, मैं मुझको अंदर ठोक देंगे वो फिर 2-4 साल के लिए, तो ऐसे मंजर दिखाना ममनू है, वरना मैं आपको बहुत कुछ दिखा सकता। बहरहाल आपको दोस्त से एक दिन मैं किसी दिन लाइव उसको साथ बिठाऊंगा, गपशप उसकी करा दूंगा जो जेल के थ्रू आया, आपको कंप्लीटली दिखा भी दूंगा, आप उसकी जुबानी सुन लेंगे क्या क्या कुछ होता है। तो बहरहाल इस न्यूज के मुतालिक आपको बताना चाहता था वो ये है जी, मक्का जद्दा एंड मदीना तीन बड़े शहर हैं, चौथा आप रियाज को बोल रहे हैं। तो मक्का बड़े भाई तो सभी बड़े शहर हैं, लेकिन 4 बड़े सिटी बोले जाते हैं, मक्का जद्दा एंड मदीना तीन शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। तीन शहरों में सिर्फ 24 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, ईद वाला दिन और उससे आगे वाला दिन 2 दिन, यानी कि आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि आज ये रिपोर्ट शेयर कर दी गई है, मैं यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। सिर्फ भाई 24 घंटों के अंदर 900 से ज़ायद कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई की गई हंगर भी कहाँ पर की है, ऐसी शॉप्स के ऊपर जहाँ पर भाई खारजी बैठे हुए हैं, ऐसे मोहल्लात के ऊपर, ऐसी कोई भी किसी किस्म की दुकान है, वो आप ले ले मिक्सरात की है, बकाला वगैरह है, फनी सलाद वगैरह कुछ भी है जी, उनके ऊपर खारजी बैठे हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। अभी इससे आपका लेन देन क्या है, आपका लेन देन मैं आपको बता देता हूँ मैं। आप वो बकाला वगैरह में या किसी फनी सलाद वगैरह में, मिक्सरात वगैरह में, या कोई भी दुकान है यार, उसके अंदर किसी के साथ अपना बातचीत करके सैलरी के तौर पर काम कर रहे हैं, जब उस शॉप के ऊपर भाई कार्रवाई होगी ना, तो आपको भी बाहर निकाला जाएगा, आपका इकामा वगैरह भी चेक किया जाएगा, तमाम तरह चीज़ें आपकी भी चेक की जाएंगी। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भाई एहतियात कीजिएगा। जो गैर मुल्की आज़ाद काम करते हैं, दिहाड़ी वगैरह लगाते हैं बाहर, उनके मतलब बहुत सी न्यूज़ शेयर कर चुका हूँ, और जो मोहल्लात वगैरह में काम करते हैं उन आपको बता रहा हूँ, एहतियात कीजिएगा। 900 से ज़ायद कार्रवाई की गई है सिर्फ 24 घंटों के अंदर, और इसके अलावा जो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं उनके अगर इकामे भी एक्सपायर हो ना, तो कंपनी के काम पर जा रहे हैं आ रहे हैं, पकड़े भी जाएं तो उनको 2-4 घंटे जेल में रखकर छोड़ दिया जाता है, ये बात कह के कि अपना कफील को बोलकर अपना इकामा अपडेट करवा लो, 500 रियाल का उसके ऊपर फाइन कर दिया जाता है, 2 इकामे एक्सपायर हो तो 1000 का फाइन कर दिया जाता है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो बंदे आज़ाद कहीं बाहर काम करते हुए पकड़े जाए तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है।